नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आपका स्वागत है मिर्ज़ापुर किचन में। तो आज मैं आपके साथ मूली के पराठे शेयर करूंगी। तो ये एक मेरी व्यूअर की डिमांड थी, उन्हीं की डिमांड पे मैं इसे बना रही हूं। तो सर्दियों का सीजन है और इसे बना के खाना तो बिल्कुल बनता है, तो फिर आइए शुरू करते हैं। दो मूली मैंने ली है, इसे साफ़ कर लिया, छिल लिया और अब इसको घिस लेंगे अच्छे से। तो दोनों मूलियाँ मैंने घिस ली हैं। अब इसमें हम थोड़ा नमक मिलाएंगे, थोड़ा ही नमक मिलाएंगे क्योंकि मूली पानी छोड़ती है, इसलिए हम नमक मिला के थोड़ी देर इसको 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे ऐसी। अब फिर इसको दोनों हाथों की सहायता से दबा दबा के पानी इसका निकाल लेंगे। मूली में बहुत मात्रा में पानी होता है, तो सारे मूली से एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डाल लिया मैंने। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम थोड़ा सा चुटकी भर इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से पराठे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और मैंने ये गरम मसाला लिया है, गरम मसाला भी डाल दूंगी इसमें। इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तो सारे मसाले मैंने मिश्रण में डाल लिए हैं। ये देखने में ऐसे ही इतना खूबसूरत सा दिख रहा है, कलरफुल। अब हम मिला लेंगे इसको आराम से धीरे धीरे, ताकि मूली में सारे मसाले जो मैंने डाले हैं वो अच्छे से मिल जाए। तो ये हमारा मिश्रण बन के तैयार हो गया, भरने लायक बिल्कुल। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं, पराठे बनाते हैं। तो मैंने तवा लिया है और मैंने गैस चला दिया है। तवा को मैंने थोड़ा सा पहले ही करा ताकि तवा धीरे धीरे गर्म हो जाए। अब मैं एक लोई लूँगी पेड़े बराबर, उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी और इसको रोटी के शेप में बेलूँगी, छोटी रोटी के शेप में बेलूँगी। हम इसमें ढेर सारा मिश्रण भरेंगे। पराठे में जब तक मिश्रण ना हो तब तक पराठा अच्छा नहीं लगता। तो हम काफ़ी अच्छे से 3-4 से चम्मच इसमें मैंने मूली का मिश्रण डाला है और दबा दबा के अंगूठों से मैंने इसको कुछ इस तरह पोटली का शेप दे रही हूँ इसमें। और फिर इसको ऐसे मोड़ मोड़ के पोटलियों की तरह बना के ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा हो रहा है उसको निकाल के रख देंगे। और फिर इस तरह से मोड़ के अपने हाथों से दबा कर बर्थन लगाएंगे, आटा अच्छे से लगाएंगे। अब हल्के हाथों से बेलन के सहारे इसको धीरे धीरे बेलेंगे। याद रखिए बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो पराठा फट जाएगा। तो अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तो हम चित्ती आने के बाद उसको पलट देंगे और इस तरह सेकेंगे और आँच हम मीडियम रखेंगे। तो एक तरफ चित्ती आ गए तो दूसरे तरफ पलट देंगे। अब इसमें हम घी लगाएंगे। घी भी धीरे धीरे आराम से लगाना है। अब घी लगा के हम पलट देंगे। दूसरे साइड भी गहरी चित्ती पड़ गई है तो दूसरे साइड भी हम घी लगाएंगे। घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो पूरे चम्मच से पूरे पराठे पे लगाएंगे और लगा के पलट देंगे। तो पूरे पराठे हमारे सुनहरे लाल हो गए हैं और अच्छे से चित्तियाँ पड़ गए। तो थोड़ा दबा दबा के हम इसको सेक लेंगे। तो हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है और देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, देखने में कलरफुल भी लग रहा है। तो हम गैस बंद कर देंगे और हमारा पराठा खूब अच्छे से सेक गया है, करारा भी हो गया, मिश्रण भरा हुआ है अंदर। तो हम इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं और मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए अंदर कितना सारा मिश्रण भरा हुआ है अंदर से, और ये खाने में सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आप बना के खाइए बिल्कुल, और इसमें आपको खा के बताती हूँ कैसा बना हुआ है। तो सच में बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।